बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी बड़ी कमाल की, बड़ी मजे की, बड़ी टेस्टी, जिस तरह से मैं बनाऊंगी आप ऐसे ही बनाइएगा। तो ऑयल लिया है मैंने एक कप ऑयल जो है वो हो गया है हॉट, गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाह, इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज मैंने एक लिया है, थोड़ा सा बड़े साइज का था। प्याज हो जाता है थोड़ा सा नरम तो इसके अंदर मैं साथ ही डाल दूंगी लहसुन। बिस्मिल्लाह, लहसुन और प्याज को हम थोड़ा सा लाइट सा करते हैं ब्राउन, बोलते हैं 3 मिनट बाद। हाँ जी, तो लहसुन और जो है प्याज वो होता हो गया है ब्राउन लाइट सा। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा अदरक। अदरक बस मैंने 1 चम्मच ही लिया है। साथ ही चले जाएंगे टमाटर। जी, तो अब इसमें मैं डाल दूंगी दही। बिस्मिल्लाह, दही जो है ये वाले 2 चम्मच भर भर के मैं डालूंगी। दही डालने के बाद इसके अंदर मैं सारी स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह, 1 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच भर के सफेद जीरा, 1 चम्मच भर के सूखा धनिया, आधा चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। जी, तो 4 मिनट हो गए हैं। 4 मिनट के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेथी। मेथी मैंने आधा किलो मंगवाई थी लेकिन मैं इसमें आधा किलो नहीं डालूंगी, बस मैं 1 पाव मेथी इसके अंदर डालूंगी। बिस्मिल्लाह, अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा ग्लास पानी। और अब जो मीडियम स्लो जो है इसके करेंगे आंच और ऊपर से इसको ढांक देंगे ताकि ये जो मेथी है वो अच्छी तरह से पक जाए। जी, तो देखिए माशाल्लाह पानी जो है वो हो गया है वो इश्क। अब हम कर लेंगे इसकी बुनाई। बुनाई में मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती, आपने भी अच्छी तरह इसकी करनी है बुनाई। और बुनाई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे सब्जी। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। जी, तो 5 मिनट हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। मैंने मसाले की और मेथी की बुनबुन के मत बज रही है। तो अब ये कह रही है कि अब डाल दें सब्जी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सब्जी और सब्जी को भी ऐड करने के बाद 2-3 मिनट तक उसकी बुनाई कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, तो मेरे लिए थी आधा किलो गाजर और 1 किलो मैंने मटर लिए थे जो कि मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। बिस्मिल्लाह, और आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा जो हैं मैंने लिए हैं आलू। आलू मेरे बच्चों को बड़े होते हैं पसंद, फसल उसे ऐड तो फिर मैं वो थोड़े से ज़्यादा ही ऐड कर लेती हूँ ताकि बच्चे जो हैं हैप्पीली जो है आलू के साथ पोटैटो के साथ खाना खा लेते हैं। तो मेरा नाम है रुखसाना इफ्तिखार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब इसको मैं क्या करूंगी, 2 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे और फिर इसको कर देंगे कवर। हाँ जी, तो सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि बुनाई के दौरान मैंने 6 से 7 इसके अंदर मिर्ची डाल दी थी। ये देखिए मैंने रेड कलर की, मुझे मिर्चें पसंद हैं इसलिए मैंने रेड कलर की डाली थी, आप भी डाल लीजिएगा। तो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो ये जो है मसाला सब्जी जो है मैंने भून ली है। आजकल असल में बच्चों को विंटर वोकेशन है तो बच्चों ने बस दिमाग का दही बनाया हुआ है। मैं बोलती कुछ और कुछ खा रही होती हूँ। एनीवेज, अब क्या करेंगे जो है हम कर देंगे आंच मीडियम स्लो और सब्जी को ऊपर से ढाँप देंगे। पानी मैं इसके अंदर नहीं ऐड करूंगी। पानी अगर मैं देखूंगी सब्जी अपना पानी छोड़ेगी तो फिर इसके अंदर मैं पानी ऐड नहीं करूंगी। लेकिन अगर देखूंगी सब्जी के पानी नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लूंगी। तो अब इसको हम जो है रख देते हैं स्लो आँच पे, मीडियम स्लो में आँच पे, और इसको मैं साथ साथ में देखती रहूँगी और जब तक ये पक नहीं जाती। हाँ जी, तो माशाल्लाह देखिए जो है पानी वो मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं था किया, हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था। तो पानी इसका हो गया है खुश्क और मैं थोड़ी देर इसको जो है ऐसे ही इसी के ऑयल के अंदर मैं थोड़ा सा भून लूँगी।
बड़ी ही कमाल की, बड़ा ही टेस्टी जो है सालन जो है ना वो बन गया है। तो नमक थोड़ा सा कम था इसमें, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक और ऐड कर लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है। इस तरीके से आप लाजमी बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे सालन बना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी धनिया, आँच कर दूँगी स्लो। बिस्मिल्लाह, जी। और अब हम इसको कर लेते हैं डिश ऑफ, चूल्हा कर देते हैं बंद। माशाल्लाह इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।